नमस्कार, आइए अब हम विलयन के अंतर्गत मोलरता अथवा ग्राम अणुकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, सूत्र एवं इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम चित्र के माध्यम से हम मोलरता की परिभाषा जानने की कोशिश करें। तो मान लिया जाए यह हमारे पास कोई पात्र है। इस पात्र में एक लीटर विलयन है। इस विलयन में चूंकि विलायक और विलेय दोनों उपस्थित हैं, तो हम यहाँ पर विलेय के रूप में कोई पदार्थ ले लें, जैसे विलेय के रूप में NaCl उपस्थित है इस प्रकार से। तो एक लीटर विलयन हो गया, उसमें कोई पदार्थ कोई भी हो सकता है। हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में NaCl लिया। तो अब हम चित्र के माध्यम से परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। तो किसी विलयन, कोई भी विलयन हो सकता है, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता या ग्राम अणुकता कहते हैं। किसी विलयन के, कोई भी विलयन, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। तो हमने मोलरता की परिभाषा जानी, इसे अर्थात मोलरता को इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं। इसकी जो इकाई है, इकाई पर चर्चा कर लेते हैं। इकाई मोलरता की जो इकाई है मोल प्रति लीटर है, अर्थात मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर है। पुनः एक बार चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करें, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। आइए अब हम सूत्र पर चर्चा करते हैं। सूत्र, तो मोलरता को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। एम बराबर विलेय के ग्राम अणुओं अर्थात मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं अर्थात मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन, विलेय के ग्राम अणुओं अर्थात मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। सूत्र के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। और अन्य सूत्र के माध्यम से और एक सूत्र लिख लेते हैं यहां पर। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इसे W से इंडिकेट करते हैं। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 1000, परिभाषा के अनुरूप 1000 विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार, इसे एम से इंडिकेट करते हैं। एम इंटू विलयन का मिलीलीटर में आयतन, में आयतन, विलयन का मिलीलीटर में आयतन। सूत्र के द्वारा हम किसी भी विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हैं। आइए हम न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं। तो मान लिया जाए यहां पर हमें क्वेश्चन दे रहे हैं 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml में, ml विलयन में घोला गया है।
तो 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता, यहां पर आयतन को हम V से इंडिकेट करते हैं, विलयन की मोलरता में सांद्रता ज्ञात करो। ये हमारे पास कोई मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल्स दिया है। मान लिया जाए कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता में सांद्रता ज्ञात करो। तो हम सूत्र के माध्यम से मोलर सांद्रण निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास हल करते समय दिया गया है W बराबर, या लिख सकते हैं दिया है तो W बराबर 5.85 ग्राम, विलेय पदार्थ की मात्रा दी है 5.85 ग्राम, आयतन दिया है हमारे पास V दिया है 200 ml, तो यहां पर लिख सकते हैं V बराबर 200 ml, 200 ml आयतन दिया है। अब हमें अनुभार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर लिखेंगे विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार किस प्रकार से निकालेंगे, Na प्लस Cl, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। Na का जो द्रव्यमान है वो 23 है और Cl का जो द्रव्यमान है वो 35.5 है, दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास 58.5 आ जाएगा। तो अनुभार हमारे पास अर्थात M कितना आया, M बराबर 58.5। हमें W प्राप्त हो गया, भी प्राप्त है, M भी प्राप्त हो गया, बस हम सूत्र में मान रखेंगे और गणना कर लेंगे। तो एक तरफ हम यहाँ पर मान रखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है 5.85, थोड़ा आगे से M बराबर लिख सकते हैं 5.85 गुणित 1000 सूत्र की सहायता से। अनुभार आया हमारे पास 58.5 गुणित 200 ml, विलयन का ml में आयतन अर्थात V क्या है 200 ml। अब हम चूंकि ये देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के बाद में दो संख्या है और यहाँ पर नीचे वाली संख्या में पॉइंट के बाद में एक संख्या है, हम इसको इक्वल कर लेते हैं, तो अर्थात पॉइंट को हटाएंगे तो दो संख्या है, यहाँ पर एक संख्या, हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, इस प्रकार से इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर वाले जीरो को नीचे वाले जीरो से काट देंगे, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया। अब चूंकि हमने पॉइंट्स को बिंदु को हटा दिया था जीरो बढ़ाकर, तो हमारे पास बचा 585 और नीचे भी 585 अपन 585, तो एक बार में कट जाएगा 585 से 585 कट जाएगा, आंसर के रूप में हमारे पास बचेगा 1/2। दो का एक में भाग देंगे नहीं जाएगा, हम पॉइंट लगाएंगे और ऊपर शून्य बनाएंगे, तो 2 × 5 = 10, 5 बार में कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 m अर्थात मोल प्रति लीटर। तो जो हमने न्यूमेरिकल्स हल किया था 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया, विलयन की मोलरता में सांद्रता ज्ञात करो, तो मोलरता में सांद्रता होगी 0.5 m या मोल प्रति लीटर सांद्रता होगी।